अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। ये गालिबन ये जो बोल रहे हैं आबेदा 14 तारीख से नहीं है, उनको बोल दो कल सुबह में 10 बजे आबेदा ऑफिस पे मिलेगी, आके मिल ले। हीरा ग्रुप ना कभी भागने वाली थी ना है, और इंशाअल्लाह कभी भागेगी नहीं। अल्लाह ताला की आजमाइशें हर एक पे आती हैं, मुल्क का कानून है, उस कानून के जो भी उसूल जवाबित है शुरू से भी हीरा ग्रुप ने उसको पूरा किया है, आगे भी करेगी। और जो भी तकलीफें आ रही हैं वो महज इसलिए आ रही हैं कि जो सच्चा होता है उसी पे तकलीफें आती हैं। और जो लोग ये चाहते हैं कि सीईओ अरेस्ट हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, तो ठीक है, सीईओ के अरेस्ट होने के बाद क्या सबको पैसा मिल गया था पहले या अब मिल जाएगा, ये सवाल है। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि हीरा ग्रुप गलत है, हीरा ग्रुप सही है, वो कोर्ट में इंशाल्लाह साबित होगा, जल्द बदेर साबित हो जाएगा। यहाँ मुद्दा ये है कि जो मेंबर्स थे, आया वो तिजारत के लिए, सरमायाकारी के लिए पैसा दिए थे और नफ़े नुकसान को मुआहदा करके पैसा दिए थे, और क्या उनके नफ़े नुकसान के मुआहदे में उनको जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके कंप्लेन करना चाहिए था, और वो चंद लोगों की वजह से बावजूद इसके कि तिजारत में नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह के करम से नफ़ा ही नफ़ा है, लेकिन यह है कि बिकेगा जब पैसा मिलेगा, ज़मीन बिकेगी जब पैसा मिलेगा, या ज़मीन का प्रोजेक्ट का बनेगा तब पैसा मिलेगा, या फिर कानूनी कार्रवाई के जो मसले हैं वो मसले जो है हल होंगे, अकाउंट्स सारे पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे तब लोगों को पैसा मिलेगा। ये चंद लोगों की वजह से सारे लोग मुश्किल में आए, अब भी उसका हल नहीं हो रहा, तो क्या आज के फैसले के बाद अगर अल्लाह ना करे अगर सीईओ दोबारा अरेस्ट हो जाए तो क्या सबको पैसा मिल जाएगा? हमारे वकील ने सवाल यही किया ना कि सर आप मुझे एक स्टेटमेंट देने दो जिससे लोगों को पैसा मिल जाए, क्योंकि यहाँ बात हो रही है लोगों को पैसा देने की। देखिए, कानून अपने तरीके से चलता है, कोर्ट अपने तरीके से चलती है, लेकिन इन सब के ऊपर एक अदालत है जो सिर्फ मरने के बाद नहीं अपने काम करती है। वो एक ऐसा कानून है जो हमारे जीते जी भी होता है, उस रब के दो उंगलियों के दरमियान इंसान के दिल होते हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतें होती है, कायदे कानून होते हैं, और उसके अपने तरीक़े होते हैं काम करने के लिए। अल्लाह सुबहानहू ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, कुरान अजीम में फरमाते हैं कि एक चीज़ है जो तुम्हें शर लगती हो, वह हुआ खैरुल लकुम, मगर वो तुम्हारे लिए खैर है, और एक चीज़ है जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, वह हुआ शरुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए शर होती है। तो वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं आया, इंशाल्लाह वक्त आएगा जब दुनिया देख लेगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी बदर कभी ओहद, ये तो दुनिया में उसूल है, कोई बात नहीं, वक्त आएगा। जो सच्चे हैं वो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मामले हैं, एक अदालत ने फैसला किया है, एक छोटे से मुद्दे पे फैसला किए हैं, अभी और भी अदालतें बाकी हैं, वहाँ पर भी फैसले होंगे, ट्रायल कोर्ट भी बाकी है, ट्रायल कोर्ट में भी फैसले होंगे, और दूध का दूध पानी का पानी इंशाल्लाह इस दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है मोमिनों के लिए कि वह उखरा तुहिब्बुकुम, वो दूसरी चीज़ जो तुम पसंद करते हो यानी दुनिया की कामयाबी, मैं वो भी दूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने तो दोनों कामयाबी का मोमिन से वादा किया है, दुनिया की भी कामयाबी है, आखिरत की तो अव्वल है, दुनिया की उखरी है, दूसरी कामयाबी है, तो वो आ जाएगा वक्त इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने उन तमाम मेंबर जो हीरा ग्रुप के मेंबर है जिन्होंने आज तक हीरा ग्रुप पे भरोसा किया है उनके लिए ये मैसेज दे रही हूँ, वरना बाकी लोगों को जवाब देने की हमको ज़रूरत नहीं है। जो इंसान उसके शर के बारे में इतना ही समझ जाए कि वो रात दिन सोशल मीडिया पे बैठ के अगर कोई इंसान गाली गलौज करता है, गंदी गंदी बातें करता है, लोगों के बारे में बुरा भला कहता है,
और वो लोगों को एक मुसीबत का हल निकालने की बात नहीं कहता है, बल्कि कहता है कि फला को जेल हो जाए, फला को ये हो जाए, फला को सजा हो जाए, फला को कीड़े पड़ जाए, फला को फला हो जाए, उससे ही उसको आफियत मिलती है। तो उसके बारे में दुनिया को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ जाते हैं कि वो कौन है, क्या है। और जो दानिशमंद होते हैं, जो दाना लोग होते हैं, जो समझदारी की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि इसका हल कैसे निकलेगा। अगर इंसानियत को एक प्रॉब्लम आती है तो इंसान, दानिशमंद इंसान हमेशा उसमें से हल निकालने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया, हम हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर किए हैं। दुनिया के हर जो भी अदालतें हैं, जो भी दुनिया के उसूल जवाबित हैं, हीरा ने हमेशा हर उसूल जवाबित को ऑनर किया है और उसके तमाम अहकाम जो भी उसके तरीके हैं उसको पूरा करेंगे, नो प्रॉब्लम। और भी अदालतें हैं, वहाँ पे भी फाइट, एक ट्रायल कोर्ट बाकी है, वो भी करेंगे। और इसके ऊपर हमारे लॉयर्स, हमारी लीगल टीम, अभी जब तक के इसके ऊपर हमारी लीगल टीम के बारे में पास से डिसीजन नहीं आता, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट आई बिलीव कि अल्लाह ताला के पास आजमाइशें हैं, देर है, लेकिन नेक लोगों के लिए अल्लाह के पास कभी अंधेर नहीं है। इनफैक्ट वो रब ऐसा है कि वो तो हर एक को नवाजने वाला रब है। हम तो अल्लाह के फजल से सही रास्ते पे हैं, सही वक्त पे सही फैसला आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।